दोस्तों नमस्कार, मैं रामू सिंह। अगर ममता बनर्जी पीएम बन जाए तो देश का राजनीतिक माहौल पिछले एक दशक में जितना बदला है, जितना बदल गया है, उस माहौल को देखते हुए इस खबर को पूरा जरूर देखें। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले सीबीआई का भरपूर इस्तेमाल शुरू किया गया सरकार द्वारा। राज्य सरकारों ने सीबीआई को राज्य में घुसने के पहले परमिशन लेने के आदेश निकाल दिए। सरकार ईडी पर आ गई, बढ़िया है। जो भ्रष्ट है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन नेताओं ने देश की संपत्ति, जनता के हक को लूटा है, उन पर सिर्फ मुकदमा दर्ज नहीं बल्कि रकम भी देश के खजाने में वापस लाए जाने के प्रयास होने चाहिए। अब एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ विपक्षी दलों के नेता ही भ्रष्ट हैं या ईडी भाजपा नेताओं की सासू मां लगती है जो दामादों का इतना ध्यान रख रही है, या भाजपा का कोई नेता भ्रष्ट ही नहीं है? जब इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने का विचार कर रहा था, मन में एक और सवाल आया, अगर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन जाएं और इसी तरह ईडी का इस्तेमाल जारी रखें तब यह भाजपा नेता क्या करेंगे और कहां जाएंगे? अब आप कहेंगे शरद पवार, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं? इन तीनों नेताओं में वह आंतरिक आत्मबल नहीं प्रतीत होता है जो ममता बनर्जी में साहस है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा का मुकाबला जैसे को तैसा के तर्ज पर किया और ममता भाजपा पर भारी पड़ गई। निश्चित तौर पर केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर उभर रहे हैं, भाजपा उनके पार्टी और प्रयासों से कितनी सचेत है यह खुद अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं। केजरीवाल ने कहा उनके पार्टी के 49 विधायकों पर 69 केस दर्ज किए गए, 16 केस केजरीवाल पर दर्ज किए गए, 12 में वह बरी हो गए, 13 केस मनीष सिसोदिया पर किए गए, 10 में वह भी बरी हो गए। कोई हमेशा शासन कर नहीं सकता, बदलाव प्रकृति का नियम है। आज नहीं तो कल जब भी कभी भाजपा सत्ता से दूर होगी और जिसने भी सरकार बनाई उसने मोदी की तर्ज पर ही सरकार को चलाया और इसी तरह ईडी का इस्तेमाल किया, तब की तस्वीर क्या होगी? आप कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।